देवों के देव, महादेव के अंश अवतार और प्रभु श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी के बारे में पांच ऐसी अनसुनी बातें जो कि आपको जरूर पता होनी चाहिए। पहला, हनुमान जी अमर है। जैसा कि हमें ग्रंथों में भगवान श्री राम और श्री कृष्ण जी का पृथ्वी पर देह त्याग का उल्लेख मिलता है, लेकिन हमें किसी भी ग्रंथों में हनुमान जी को इस पृथ्वी को छोड़ने का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी भी उन आठ चिरंजीवों में से एक है और कलयुग के अंत तक धरती पर ही रहेंगे। और ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी आज भी धरती पर मौजूद हैं और राम नाम का जाप कर रहे हैं। दूसरा, क्या आपको पता है कि सिर्फ रामायण में ही नहीं बल्कि महाभारत में भी हमें हनुमान जी की उपस्थित होने का वर्णन मिलता है, जो कि महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ पर विराजमान थे। तीसरा, हनुमान जी के पाँच भाई भी है। ये बात आपने शायद ही कभी सुनी हो, लेकिन हनुमान जी के पाँच भाई भी थे और इसका उल्लेख हमें ग्रंथों में भी मिलता है और उनके नाम है मातिमान, श्रुतिमान, केतुमान, धृतमान और गतिमान। और कई सारे लोगों का तो ये भी मानना है कि महाभारत काल के भीम भी उन्हीं के भाई थे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि हनुमान जी का एक पुत्र भी था जिसका नाम था मकरध्वज। तो कथाओं के अनुसार जब हनुमान जी लंका दहन करने के बाद लौट रहे थे, तब उनका कुछ बुन पसीना समुद्र में गिर गया था। इसे समुद्र में मौजूद एक मछली ने निगल लिया, जिससे मकरध्वज का जन्म हुआ था। पांचवा, श्री राम जी के अनन्य भक्त हनुमान जी देवों के देव, महादेव के अंश अवतार हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सभी हनुमान भक्तों के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट्स में संस्कृत भाषा में जय श्री राम जरूर लिखना।